हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कुंदन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, हम आज बात करने वाले हैं पीएससी से हम एमएसएमई लोन कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल। सर्च करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन वाला सेक्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आईडी पासवर्ड आपको मांगेगा, वो डालकर लॉगिन हो जाना है। मेरा ऑटोमेटिक लॉगिन सेट है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 80-80 से जितना भी सर्विस यहाँ पे दिया हुआ है सब आपके चले आएगा। तो चलिए, खोजने में तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे सर्च का आइकन है, यहाँ पर सर्च करते हैं HDFC। यहाँ पर HDFC आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं HDFC BF लोन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप डिजिटल से देख सकते हैं, यहाँ पे इनका होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज आने के बाद यहाँ से अब आपको यहाँ पर लोन प्रोडक्ट जो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ जाएंगे जितने भी सारे का लोन प्रकार का लोन दिया हुआ है। तो अब जिस भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। तो हमें MSME में लोन अप्लाई करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है MSME, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो बैंक का दिया हुआ है इसमें, तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं या नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे जो भी बैंक का आप करना चाहते हैं। डाउनलोड देख सकते हैं नहीं हो पा रहा है, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं HDFC का, जो HDFC का हो चुका है तो आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। इसमें सारी बातें बताई गई है, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेंगे इसमें क्या क्या लग रहा है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे और अप्लाई पर क्लिक करते हैं। हम एक्सिस बैंक से अप्लाई करेंगे, तो एक्सिस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला नंबर मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर मांगने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद OTP आएगा, OTP को वैलिडेट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अब जिनका भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे उनका नाम डालेंगे और इधर लास्ट नेम डालेंगे। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है। सबसे पहले आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को चूज कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक है वो चुन कर चूज करना है। और ब्रांच का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है, कौन सा ब्रा कहाँ ब्रांच है वो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके अनुसार यहाँ पे आपका पिन कोड फिल हो जाएगा और यहाँ पे सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लीड नंबर यहाँ पर मेरा जनरेट हो चुका है, यहाँ पर मैसेज सक्सेस हो चुका है और यहाँ पर डेट और टाइम दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको अब बैंक के द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे रिक्वायरमेंट यानी वगैरह वगैरह चीज के लिए पूछा जाएगा। तो आप वेट करेंगे बैंक के कॉल के लिए, तो आपको बैंक के वालों ने कॉल करेगा, आपको रिक्वायरमेंट बतानी है क्या है कैसे है वो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।